मेरा सवाल ये है हाँ कि ये जो गाने, समझ समझ गए। लीजिए एक कट ऑफ डेट 15 की है, 15 मार्च के पहले जो गाने टॉप 10 में चल रहे थे, सडनली वो हाँ 16 तारीख से क्यों चेंज हो गए, और जो अब सारी दुनिया में, यूनिवर्स में, इंटरनेट में चल रहे हैं वो गाने, वो क्यों वो गाने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, सोनू निगम, लता मंगेशकर के बज रहे हैं, और ना कि आजकल के वही गाने बज रहे हैं जो मॉडर्न फिल्म्स के, क्या रीजन है उसके पीछे? बाहर के देशों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है इंडिया में म्यूजिक कंपनी से पैसा पहुंचा ही नहीं है, इसी वजह से शायद गाने वो बज रहे हैं जो बजने चाहिए। नहीं, क्या लोगों का टेस्ट चेंज है एक दिन के अंदर? अरे नहीं, लोग अच्छा सुनते हैं विवेक जी, लोग अच्छा ही सुनते हैं। और अगर आप इंडिया में, तो क्या है कि मैं मेरे भारत को तो बहुत प्यार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस मेरे देश, मेरी धरती है। बट मेरा ये कहना कि अगर कोई चीज दुनिया भर में चल रही है और उसको अगर बर्बाद करना हो और खराब करना हो, तो यहाँ उसका लेके आओ। भजिया पाव करना हो, तो यहाँ लेके आओ इंडिया में। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको मैं सबसे सटीक और सबसे इजी अंडरस्टैंडेबल रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूँ, वो है अमेरिकन आइडल का। ओके, अमेरिकन आइडल, ब्रिटिश आइडल, इटालियन आइडल, स्पेनिश आइडल, ये सब चल रहे हैं। जहां से जैसे स्टार्ट हुए थे वहां चल रहे हैं, हमारे यहां भी स्टार्ट हुआ। मैं, अनुजी, पर हम सब तीनों ने स्टार्ट किया, वो स्टार्ट हो क्योंकि ऐसा इवॉल्व हुआ है। पहले हम देखते थे कि तूने अच्छा गाया है, और पहले सीजन में कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो बस, मैं हार तो गया हूं, मुझे सोनू भैया से के साथ एक बार मिलना है और उनके पैर छूने हैं, और आप प्लीज ऐसा कीजिए कि मुझे अलाउ कर दीजिए सोनू भैया के साथ में। तो हमको फ्री माइंडल की टीम बोल रही है, नहीं, यू कैन गो प्लीज, दिस इज नॉट द सिस्टम, दिस इज नॉट यू, यू आर द जजेस, यू कैन गो ऑन द स्टेज, यू नीड टू बी ओवर हियर, यू नीड टू, यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द ऑफ बीइंग अ जज। तो हम स्टेज पे नहीं जा रहे। सेकेंड सीजन में हमारा जाना शुरू हुआ, हमको बुलाना शुरू हुआ है, उसके बाद ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस शुरू हो गई जज की। अब जज भी गा रहा है, क्योंकि क्यों, टीआरपी, टीआरपी नो, आर मैनेजमेंट टीम, आर एंटरटेनमेंट, आर इन्वेस्टिगेशन टीम, आर जासूसी टीम इज टेलिंग अस दिस विल वर्क। और ये वो टीम है जिसको म्यूजिक से कोई सरोकार नहीं है, जिसको कोई, वो कल कल के बच्चे हैं जो, यू नो, आई डोंट लाइक दिस, यू नो, आई डोंट लाइक दिस आइडिया, आया पंचम, पंचम का पता कुछ नहीं है, बट आई लाइक हाँ पंचम, आई लाइक पंचम, यू नो, आप पंचम, अभी तेरे पंचम तेरा बाप के बाप का बाप है, पंचम मत बोल के लिए, तो आड़ी आड़ी पर बोल के लिए, व्हाट इज पंचम, आई लाइक पंचम, यू नो, आई लाइक हुज लक्ष्मीकांत प्यार यार, हुज यार शंकर जयकिशन यार, आई लाइक पंचम, क्योंकि पंचम इज इन थिंग, पता नहीं पंचम का कुछ भी। अब ये आएंगे आइडल पे, ये है वहां के समझिए प्रोग्रामिंग टीम के, यू नो व्हाई यू शुड बी सम पंचम ना यार, पीपल लाइक पंचम बिफोर, व्हाट अबाउट ओल्ड सॉन्ग लाइक मोहम्मद रफी यार, व्हाट अबाउट किशोर कुमार यार, किशोर दा, तेरा दा कैसे हो गया, किशोर दा तेरा कैसे हो गया। तो ये लोग मार्केटिंग डिसाइड कर रहे थे। अब वो जो आइडल शुरू हुआ था जहां पे हम जजेस को अलाउड नहीं था स्टेज पर जाना, अब वहां पे क्या होता है, रो रहे जज, रो रहे हैं, एक आ रहा है और बोल रहे मैं आपके पैर पड़ जाऊं, कंटेस्टेंट को बोल रहे हैं मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ। अरे भैया ऐसा, मतलब ये जो आइडल का जो स्तर हम रखते थे पहले, जो हमको मेंटेन करने के लिए कहा गया था, और देशों में तो वही चल रहा है, वहां तो नहीं हो रहा, वहां के लोग जजेस जो है वो तो नहीं जाके लोगों के बोल रहे कि हे डूड, आई वांट टू टच योर फीट मैन, आई वांट टू बाय डांस यू मैन, आई वांट बाय, ये तो नहीं बोल रहे वहां के लोग। हमारे वाले अब जजेस को, जब मैं जज बना भी था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो लोग जो कर रहे हो कि शायद वो पब्लिक, उनको पता होगा कि पब्लिक ऐसी ट्रिगर होती है, इंडिया में ट्रिगर ऐसी पब्लिक होती है, वो भी मुझे कहते थे कि सर वो कैसा उसने गाया, मैं बोला थोड़ा अच्छा नहीं इतना सर, यू नो, यू हैव टू हाइप हाइप द कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट को हाइप करो, ऐसा करो वैसा करो। अब मेरे दिल से नहीं आ रहा यार, इतने अच्छे, उसने इतना अच्छा नहीं गाया, और मैं उसको बेवकूफ क्यों बनाऊं, जब उसने गाया खराब है तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूं। तो ये चीजों की वजह से जो, और एक और सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, हमारे यहाँ पे एक और सीक्रेट है, जो टेली, जो आप परफॉर्मेंस देखते हैं टेलीकास्ट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडल, आई एम नॉट टॉकिंग एनी नेम एक्चुअली, लेट मी नॉट टेक एनी नेम बिकॉज फिर वो जाएगा, देर आर लॉट्स ऑफ शोज, आई अंडरलाइन लॉट्स ऑफ शोज, म्यूजिक कॉम्पिटिशन, एंड परहैप्स मे बी
99% of the music competition shows, singing competition shows, where what you're watching is a dubbed performance or is a corrected performance. They don't want to show you the faltered singing. जो सिंगर ने खराब गाया हुआ है जी, तो अगर जज ने बोला है कि अरे ये जो आपने क्रॉस गाया है, क्रॉस में आपने बेसुरा गाया है और टेलीकास्ट में बेसुरा आएगा ही नहीं, तो किसी चीज को खराब करना हो तो वो इंडिया में खराब करो। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा था, म्यूजिक में भी यही हो रहा था जो आप बोल रहे थे, जहां से ये बात कहानी शुरू हुई है। यहाँ पर क्या है, कोई गाना आज म्यूजिक कंपनीज जो है वो बताती हैं कि ये गाना तुम ना केवल बताओ ये गाना बजाओ, वो ये भी बताती है ये गाना ना बजाओ, हाँ ये इंडिपेंडेंस इसको मत गवाओ, ये हमारी कंट्री की, ये हमारी कंपनी के अगेंस्ट है, ये हमारी कंपनी का आर्टिस्ट नहीं है, इसका गाना आप ना बजाओ। और चूड़ी चूड़ी पहन के जो बाकी लोग हैं वो, हाँ सर आपने बोल दिया तो बिल्कुल हम नहीं बजाएंगे, आप हमें प्लीज रूल करो ना, प्लीज हमको प्लीज हथकड़ियों में बांध दो ना, प्लीज हमको फ्रीडम नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू एंजॉय योर फ्रीडम, प्लीज टेल अस व्हिच सिंगर डू यू वांट टू प्रमोट, आई वांट टू प्रमोट दिस सिंगर, ओके सर व्हिच कंपोजर डू यू वांट टू प्रमोट, आई वांट टू प्रमोट दिस, बट सर दैट गाय इज मच मोर टैलेंटेड एंड ही इज नाउ ही इज माय कंपनीज आर्टिस्ट। तो जो आप अभी तक सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे जब तक ये नहीं बदलेगी चीज, दे वॉन्ट यू टू लिसन टू सर्टन सॉन्ग्स, दे वॉन्ट यू, उनको उन्होंने गाना दिया है, ये उनका आर्टिस्ट है, ये आज 100 रुपए लेता है शो में, उसमें से 40 रुपए इनके पास जाएंगे, और वो आर्टिस्ट जो है वो डिजर्विंग आर्टिस्ट है, वो खूब बाहर कॉन्सर्ट कर रहा है, पर उसका पैसा उसके पास ही आ रहा है, म्यूजिक कंपनी को नहीं मिल रहा वो पैसा। तो वो जो आप सुन रहे हैं अपने बिल बोर्ड चार्ट में, इंडिया के जो है चार्ट जो भी है टॉप 10 चार्ट है, इसका संबंध उस बात से है कि कौन किसका आर्टिस्ट है। तो बाहर ऐसा नहीं होता होगा, इंडिया में यही मैंने कहा ना, किसी चीज का रायता बनाना हो तो वो इंडिया में दे दो,